हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और उसके बहुत सारी वीडियो मैं आप लोग के लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और उस चैप्टर की सीरीज़ में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप थे उनकी नेमिंग बताई थी। और आज मैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, इस फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी नेमिंग हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा आर सी ओ ओ एच, या हम सी ओ ओ एच ग्रुप भी करते हैं इसको। वर्ड रूट की बात करें हम लोग तो वर्ड रूट हमारा वही रहेगा अल्क। प्राइमरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल है तो एन, ये सब मैं बताती ही रहती हूँ आप लोग को, अभी तक याद हो गया होगा। एंड ट्रिपल है तो आइन लग जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स बच्चों जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा वो होगा ऑइक एसिड। ओके, तो आईयूपीएसी जो नेम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हो जाएगा हम लोगों का अल्क एन। एन का ई मैं फिर से रिमूव करूंगी कि ओ वोबल है तो दो कंटिन्यूस वोबल्स नहीं होने हैं। तो ऑइक एसिड, ये अल्केन ऑइक एसिड। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेती हूँ, बॉन्ड लाइन में ही देखते हैं हम लोग। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का क्या दिख रहा है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो रूल्स कहता है कि अगर कोई जो फंक्शनल ग्रुप है और उसमें कार्बन आ रहा है तो उस वाले कार्बन को ही हमें फर्स्ट नंबर देना होगा, सबसे लोएस्ट नंबर देना होगा। वैसे भी आईयूपीएसी रूल्स बोलता है कि ऑर्गेनिक जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके उस ग्रुप, वो ग्रुप जिस कार्बन से एडेड है, बॉन्डेड है, तो उसको हमको लोएस्ट नंबर देना है। तो ओबियसली यहाँ पे हमारा कार्बन वाला, क्योंकि ऑर्गेन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हम जो नंबरिंग है वो इसी वाले कार्बन से करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर हम लोग नीचे आते बच्चों तो 6, 7 ये भी करेक्ट होता है यहाँ जाने पर भी, और ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि 7 की ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी जो कि हमारी पैरेंट चेन है। तो ये क्या बन गया बच्चों, सब्स्टिट्यूंट बन गया। 2 ग्रुप का है, क्या है ये, इथाइल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूंट की नेमिंग, लोकेंट है इसका 5 इथाइल, कितने की चेन है, 7 की। तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूस लिखेंगे इसमें हैप्ट, सिंगल बॉन्डेड है एन, ई हटा देंगे हम लोग, 1 ऑइक एसिड। क्या हम कंटिन्यूस इसको लिखते जाते, 5 इथाइल हैप्टनॉइक एसिड, वो भी करेक्ट होता। मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है तो उसकी पोजीशन हमको शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप लगाते चलो, नहीं तो आप 2 पे भी रहेगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो एक हैबिट बनी रहेगी। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे कुछ और बताती हूँ इसके। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग बच्चों देखते हैं इसमें। जो भी चीज़ें यहाँ पर बॉन्ड इसमें कुछ भी नहीं है तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर बार आप लोगों को बताती रहती हूँ। चलिए, तो ये हम लोगों का एक कंपाउंड है बच्चों, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग को पता होगा,
फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ही यहाँ से प्रायोरिटी देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है बच्चों। तो 6 के लिए हमारा जो अल्क आएगा वो हेक्स, डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम यहाँ पर देंगे लोकेंट 4, 4 और 5 के बीच में, इसलिए 4 ईन का ई मुझे यहाँ पे रिमूव करना होगा और सेकेंडरी सफिक्स ऑइक लगाना होगा। कौन से पोजीशन पे है 1, तो 1 ऑइक एसिड। क्लियर हो रहा है? 6 की चेन हैक्स, डबल बॉन्ड है इसलिए एन नहीं आके क्या आएगा, इन। पोजीशन बताएंगे 4 और 5 के बीच में है तो 4 ईन, और 1 पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 ऑइक एसिड। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल मैं बताती हूँ यहाँ पर। इस बार बॉन्ड लाइन ले लेते हैं हम लोग। ओके, ये है हम लोगों का। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारी पैरेंट चेन कौन बनेगी, तो ऑब्वियसली यही बनेगी हमारी पैरेंट चेन बच्चों, और इस चेन से जो भी बाहर आएगा वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग अब हमें करना है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग हम यहीं से करेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी देना है। तो 1, 2, 3 पे हम लोग को एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, 4, 5, 6, 7 और 5 और 6 पे एक डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, इसके बाद पैरेंट चेन अल्क और डबल बॉन्ड, एंड लास्ट में हमारा सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। लोकेंट 3 साइक्लो, 3 कार्बन का है बच्चों, तो प्रोप आइल लग जाएगा इसमें, एंड 7 की चेन बन रही है तो हैप्ट, 5 और 6 के बीच में है बच्चों, तो 5 ईन का ई मैं रिमूव कर रही हूँ, 1 ऑइक एसिड। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं आगे कुछ एग्जांपल बताती हूँ। चलिए इस केस में देखिए बच्चों कि हमारे दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, यहाँ तो एक यहाँ, तो एक को फर्स्ट और एक लास्ट मिलना है, लेकिन नंबरिंग हम कहाँ से करें, फर्स्ट हम किसको दें? तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसको देती हूँ 1, तो 1, 2, 3 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूट इथाइल मिल रहा है, और अगर मैं इसको नंबर 1 देती हूँ सबसे लोएस्ट नंबर, तो 1, 2, 3 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूट मिथाइल मिल रहा है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा था, IUPAC रूल क्या बोलता है कि जब भी हम इस केस में इस तरह का कॉम्प्लिकेशन आता है तो हम अल्फाबेटिकली चलते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे। तो इथाइल और मिथाइल में प्रायोरिटी किसको मिलेगी बच्चों, इथाइल को, तो ये नंबरिंग हमारी ज़्यादा करेक्ट होगी। यहाँ 3 को हमें इथाइल दे रहे हैं, अगर इस तरफ से करते तो 3 को क्या मिलता, मिथाइल, तो ये 5, 6 एंड 7। ओके, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 3 ethyl 5 methyl 7 की चेन आ रही है बच्चों, तो हैप्ट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, एन ई हटा देंगे, कहाँ कहाँ पे आ रहा है बच्चों, 1 पे कॉमा 7 डाई ऑइक एसिड, ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये तो हमारी स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन की बात होगी। अगर साइक्लिक है, देखो यहाँ पर अगर इस तरह से एक रिंग है और इसमें डायरेक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये रिंग ही बनेगी हमारी पैरेंट चेन, ये रिंग ही बनेगी हमारी पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन ये बन रही है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे बच्चों, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3
और तो कुछ है नहीं इसमें सब्स्टिट्यूट वगैरह, तो ये हमारी 5 मेंबर्ड पैरेंट चेन बन गई है। एक्चुअली में इस केस में हुआ क्या है बच्चों, कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है उसका कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है। ओके, तो इस केस में अब हम इसको ऑइक एसिड नहीं लिख सकते। अब हमको क्या लिखना होगा, तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है तो हम उसके लिए लिखते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बन काउंट नहीं होता है। ओके, तो इसका नेम क्या होगा बच्चों, तो इसका नेम हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर ही आएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एक दो एग्जांपल हम लोग इस तरह के और देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले आप इसको नोट करिए, चलिए कुछ और साइक्लिक के एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं बच्चों। ये एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि दो दो फंक्शनल ग्रुप है और ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप इस रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो डायरेक्टली बॉन्डेड है तो रिंग ही हमारी क्या बनेगी बच्चों, पैरेंट चेन। तो अब हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि पैरेंट चेन हमको पता चल चुकी है, नंबरिंग की प्रायोरिटी हम कहाँ किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को एंड देन सब्स्टिट्यूट को। तो नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1, 2 इन दोनों को लोएस्ट नंबर मिलता है और 3 इथाइल को भी लोएस्ट नंबर मिल जाता है एंड 4, तो ये जो नंबरिंग होगी हमारी ज़्यादा करेक्ट होगी बच्चों। तो 5 मेंबर रिंग है ये, 5 की कार्बन चेन बनी एंड देन यहाँ पर हमको मिल गए हैं 2 सब्स्टिट्यूट, 4 पे मिथाइल एंड 3 पे इथाइल। तो सबसे पहले हम इसकी ही नेमिंग करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट 3 इथाइल 4 मिथाइल, पैरेंट चेन बच्चों तो हेक्सेन नहीं है, 5 की है तो क्या हो जाएगा पेंटेन। कार्बन क्योंकि काउंट नहीं हुआ है तो हम यहाँ ऑइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखना होगा हम लोगों को, जब भी पैरेंट चेन में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं होता तो हमको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ हो जाएगा 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है। चलिए एक और साइकिल मैं लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा बनाते हैं। चलिए ये इस तरह का एक कंपाउंड हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो अभी ये रिंग हमारी पैरेंट चेन नहीं होगी। तो पैरेंट चेन क्या होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो, तो पैरेंट चेन बच्चों हम लोग की हो जाएगी ये 3 कार्बन की। और इस केस में जो हमारा ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, वो क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूट। इस चीज़ को बहुत अच्छे समझना कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो कभी भी ये रिंग पैरेंट चेन नहीं बनेगी। अगर थोड़ा सा भी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर भी COH था तो ये हमारी 2 कार्बन की क्या बन जाती पैरेंट चेन, यहाँ तो चलो ठीक है 3 की, अगर यहाँ भी होता तो वही हमारी पैरेंट चेन होती। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करेंगे बच्चों, तो 3 पे हमारा साइक्लो हेक्साइल, ये होगी इसकी नेमिंग। 3 कार्बन के लिए प्रो एन 1 ऑइक एसिड, 1 ऑइक एसिड क्यों है, क्योंकि कार्बन हमारा पैरेंट चेन में इंक्लूडेड है, दिस इज ये हमारी पैरेंट चेन है, दिस इज पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन छोटी हो या बड़ी इससे मतलब नहीं है, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है बच्चों कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो उस कार्बन चेन में होना चाहिए, अगर है तो ही वो पैरेंट चेन होगी, अदरवाइज वो कितनी भी लॉन्ग हो वो पैरेंट चेन नहीं हो सकती। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे कुछ और एग्जांपल बताती हूँ।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बच्चों इसके, जस्ट लाइक ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फिर से कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इस रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो रिंग ही बनेगी हमारी पैरेंट चेन। क्लियर हो रहा है? तो अब बारी आती है हमारी नंबरिंग की, तो नंबरिंग इसको ही लोएस्ट नंबर देना है, 1, 2, 3, 4, 5 पे आएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ चलेंगे नीचे की ओर तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग। क्लियर? तो अब इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले पैरेंट चेन साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड है तो एन नहीं लगाएंगे, 2 और 3 पे है तो 2-ईन-1। कार्बन देखो काउंट नहीं हुआ है चेन में, तो क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं है, तो हमेशा आप लोग को याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ऑइक एसिड नहीं लिखना है। तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हम लोगों का इसका नेमिंग। चलिए एक और करते हैं हम लोग इस तरह का, चलिए तो ये वाला आप लोग खुद भी पॉज करके बना सकते हैं। डायरेक्टली अटैच है तो रिंग ही हमारी पैरेंट चेन होगी, नंबरिंग तो नंबरिंग हमारी यहाँ से ही होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हो जाएगा बच्चों? तो साइक्लोहेक्स 1-ईन-1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? एक और लास्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद एसिड हैलाइड बनाते हैं, उसका स्टार्ट करेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं जल्दी से, ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर हम लोग को पता चल रहा है कि डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो यही बनेगी हमारी पैरेंट चेन 4, 5, 6, 5। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 4, इसको मैं यहाँ पे कर दूँ 4, 5, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, और ये एक सब्स्टिट्यूट। तो हमको एक 4 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, एक 3 पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, और एक सब्स्टिट्यूट हम लोगों को 5 पे मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट साइक्लोपेंटाइल है और ये क्या हो जाएगा बच्चों? मिथाइल। ओके, तो साइक्लो हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए एम पहले आएगा, 3-4-डाई-मिथाइल, इसके बाद 5-साइक्लोपेंटाइल। कितने की चेन बन रही है बच्चों? 5 की, तो पेंटेन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके चलिए इसको नोट करिए, एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। चलिए चलिए बच्चों एक और देखते हैं हम लोग, ये एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड बच्चों ये ले लेते हैं हम लोग, इसकी नेमिंग आप लोग को ही करनी है तो पॉज करके इसकी नेमिंग करिए, ओके चलिए अब मैं बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आप लोगों ने किया होगा। 4 की चेन बन रही है हम लोग की, तो 4 के लिए क्या आता है बच्चों? ब्यूट, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2-ईन-1-4-डाई-ऑइक एसिड। ओके यहाँ पे देखिए इस केस में 1, 2, 3, 4, 5 की चेन बन रही है, लेकिन ये कार्बन हमारा यहाँ पर इस तरह से छूट जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो IUPAC इसके लिए क्या बोलता है बच्चों? कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है और उसके कार्बन का मतलब एक से ज़्यादा बार वो रिपीट हो रहा है, और मेन चेन जो हमारी पैरेंट चेन है उसमें कोई एक भी कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप छूट जा रहा है, तो आप बाकी सभी को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी के साथ आप ऐसा नहीं करिए कि इसके साथ आप नाइंसाफी हो जाए,
तो ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं करना है, इसको छोड़ेंगे क्योंकि सेम पावर के हैं। अगर इनको बोलूँ मैं कि ये भी प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम मिनिस्टर, ये भी, तो इनको भी हमको उतनी इम्पोर्टेंट देनी है। तो छोड़ना है तो आपको सभी को छोड़ना होगा। अगर शामिल करना है पेरेंट चेन में तो सभी को शामिल करना होगा, सबको इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे एनी हाउ हम किसी भी तरह से देखें तो ये वाला हमारा छूट जाता है, और अगर ये नहीं छूटेगा तो ये कोई एक को छूटना है। तो ऐसे में हम इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ देंगे, पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पैरेंट चेन जो पहले हमारी 1, 2, 3, 4, 5 की बन रही थी, अब सिर्फ हमारी 3 की बनेगी। और इस केस में इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रो एन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोगों ने एल्डिहाइड में भी किया था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग का जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो ओवर हो गया। अब मैं एसिडोलाइड बताती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग का जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो है एसिड हैलाइड। हैलाइड सभी को पता है, हैलोजन को बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन। ओके, तो इसके लिए जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा हमारा COX। एक्स यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, CLBRINF कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ इसको, इसके अलावा हम इसको RCO Cl भी बोलते हैं, Cl की जगह यहाँ पे Br भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। नाउ वर्ड रूट, तो वर्ड रूट याद हो गया होगा सभी को, अल्क प्राइमरी सफिक्स एन इन एंड आइन, सेकेंडरी सफिक्स जो हमारा एसिड हैलाइड के लिए आएगा बच्चों वो है ऑयल हैलाइड। हैलाइड में यहाँ पे हम लोगों का क्लोराइड, अगर Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। तो जो एक IUPAC नेम आएगा बच्चों इसका वो हो जाएगा अल्क एन ऑयल हैलाइड। ओके, चलिए एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। चलिए मैं कार्बन से बताती हूँ, बॉन्ड लाइन नहीं बताती उस पर। चलो मैं यहाँ पे सी भी नहीं लेती, चलो एच ले लेती हूँ, ठीक है। क्या होगा इसका? एक कार्बन है बच्चों तो मिथ अल्क आ जाएगा, मिथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन, एन ऑयल क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका नेमिंग। अगर इस तरह का एक कंपाउंड लें हम लाइक CH3COBr, तो यहाँ पे हमारी चेन कितने की बन रही है बच्चों? 2 कार्बन की। इस वाले कार्बन को तो फर्स्ट ही नंबर देना होगा। मैंने क्या बोला था कि जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है उसके कार्बन से ही हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमको लोएस्ट नंबर देना है, सबसे लोएस्ट। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 की चेन है तो इथ सिंगल बॉन्ड है, एन वन ऑयल, या हम डायरेक्ट लिख दें वन ना लिखें तो ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है। और भी मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले आप इसको नोट करिए। चलिए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। चलिए, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारा एसिड हैलाइड, तो इसको ही हमको प्रायोरिटी देना है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6। तो 7 की पैरेंट चेन बन चुकी है बच्चों, इस पैरेंट चेन से ये बाहर, तो सब्स्टिट्यूट हो गया इथाइल, डबल बॉन्ड मिल रहा है हम लोग को 4 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी? सब्स्टिट्यूट की,
तो लोकेंट है इसका 3-ethyl, 7 के लिए अल्क क्या आएगा बच्चों, तो हेप्ट, डबल बॉन्ड है 4 और 5 में, तो 4-ene-1 ऑइल, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्लोराइड, क्लोराइड ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और करते हैं हम लोग एग्जांपल यहाँ पे, ये एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इस तरह से। चलो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा अगर फर्स्ट आएगा तो एक लास्ट ज़रूर आएगा, क्लियर हो रहा है आप लोग को। तो अब फर्स्ट किसको करें और लास्ट किसको करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बुलेट मार्कर, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकंड कार्बन है उसकी पोजीशन देखेंगे। देखो यहाँ पे कि अगर मैं इसको नंबर 1 देती हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना। यहाँ पे इसको 1 देती हूँ तो मुझे 2 पे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन 3 पे सब्स्टिट्यूंट मिल रहा है। कौन सा सब्स्टिट्यूंट है बच्चों, मिथाइल, इसके बाद 4 पे मुझको इथाइल मिल रहा है। लेकिन यहाँ से करना ज़्यादा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ हमको लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड पे मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप पर जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी हम देते हैं, तो ये नंबरिंग हमारी ज़्यादा करेक्ट होगी, 5, 6 एंड 7 ये हो गया बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हमको किसकी नेमिंग करनी है, सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है, इथाइल है और मिथाइल है, तो सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल, तो 4-ethyl, 5 पे 2 है तो 5, 5 रिपीट करना होगा हम लोगों को, 2 है तो डाई लगाना है, मिथाइल चेन कहाँ तक जा रही है हम लोग की, 7 तक, तो हम लिखेंगे हैप्ट, डबल बॉन्ड आया है एन नहीं लगाएंगे, 2-3 है तो क्या आएगा, 2-ene, कहाँ कहाँ पर आ रहा है ऑयल हमारा, 1 और 7 पे, तो 1, 7 डाई ऑइल क्या लगा हुआ है बच्चों इसमें, हेलोजन क्या लगा है जिसको हम हैलाइड बोलेंगे, क्लोराइड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्लोराइड, ओके। चलिए नोट करिए, फिर मैं एक दो और बताती हूँ। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों, ये हम लोग का कंपाउंड है तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन चलिए सर्च करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओके। लेकिन अगर हम लोग ऊपर जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 की जा रही है, तो ये वाली हम लोग की करेक्ट होगी बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट चेन ही हमारी पैरेंट चेन बने, तो आपको हर एंगल से चेक करना होगा। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, एक ये डिफरेंट इथाइल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूंट की नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, तो क्या हो जाएगा, 3-ethyl, 5, 5, 7, 7 एंड 8 ये सारे के सारे एक ही हैं, कौन से हैं, मिथाइल है सब्स्टिट्यूंट, तो हम सबको एक बार ही यहाँ पर करेंगे, 5, 5, 7, 7, 8 कितने टाइम हो गया बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम, तो पेंटा मिथाइल मिथाइल का ई रिमूव करना होगा, 1 ऑइल, Br है तो ब्रोमाइड, ओके ये होगी इसकी नेमिंग। चलिए साइक्लिक वाला भी एक देखते हैं हम लोग कि अगर किसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में COCl हमारा एसिड हैलाइड ग्रुप बॉन्डेड है, अटैच है, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करें। तो फिर से मैं बोलूँगी कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो रिंग ही बनेगी बच्चों पैरेंट चेन, ये चीज़ याद रखना। तो अब नंबरिंग की बारी आती है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो, तो ओबियसली यहीं से करेंगे, और कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लो पेंटेन,
अब यहाँ देखो कि इस रिंग में, इस पैरेंट चेन में हमारा ये जो कार्बन है वो काउंट नहीं हुआ। तो जब भी एसिड हैलाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसको हम लिखते हैं बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड। अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिखेंगे, आयोडाइड है तो आयोडाइड, फ्लोराइड है तो फ्लोराइड। तो यहाँ तो अपन लोग का क्या है बच्चों, क्लोराइड है। तो साइक्लोपेंटेन वन कार्बोनिल क्लोराइड, ये आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं कुछ और साइक्लिक बताती हूँ। चलिए एक दो और देखते हैं बच्चों। चलिए इस बार थ्री कार्बन का। तो इस वाले में देखिए बच्चों कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड वो डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है। तो अभी रिंग हमारी पैरेंट चेन नहीं होगी, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो पैरेंट चेन हमारी टू कार्बन की बन रही है और कार्बन टू से ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, टू साइक्लो थ्री कार्बन का है प्रोप आइल, कार्बन काउंट हो गया है तो क्या हो जाएगा ये हमारा इथेन प्रोपाइल इथेन वन ऑइल क्लोराइड। ओके, चलिए एक दो और देखते हैं हम लोग। ये कंपाउंड है, यहाँ पर भी हमारा जो एसिड हैलाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो फिर से एक बार ये बच्चों सब्स्टिट्यूट बन जाएगा और ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन फोर कार्बन की। तो जल्दी से इसकी भी नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, फोर साइक्लो पेंटाइल, फोर की चेन है इसलिए ब्यूट, थ्री और फोर पे डबल बॉन्ड है तो एन नहीं लगाएंगे, थ्री इन कार्बन काउंट हुआ है वन ऑइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं एक दो और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल बता देती हूँ इसमें। चलिए एक दो और हम लोग इसके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ फिर से जो हमारा एसिड हैलाइड ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो रिंग हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। बट ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, आप लोग देख रहे हैं, तो हमको इसकी भी नंबरिंग करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, पैरेंट चेन फोर की बनी है बच्चों, अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, तो मैंने हमेशा बताया है कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जब उनकी नेमिंग हम करते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, फोर कार्बन के साथ ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड है। तो सबसे पहले हम फोर ब्रैकेट में, अब इसके सबसे पहले हम इसके भी जो सब्स्टिट्यूएंट है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट उनका नेमिंग करेंगे। तो थ्री पे इथाइल एंड फोर पे बच्चों मिथाइल है, साइक्लो हेग्ज वन और टू पे तो वन इन आइल, ये इसकी नेमिंग हो गई बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। इसके बाद ब्यूट एन वन ऑइल, क्या लगा हुआ इसमें क्लोराइड। ओके, ये हो जाएगी इसकी नेम। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं एक दो और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बताती हूँ। चलिए एक दो और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के हम लोग नेमिंग देखते हैं बच्चों। तो दिस इज थोड़ा सा टेढ़ा बन गया,
चलिए कुछ और ऐड कर दूं। चलिए यहाँ से इसको ऐड करते हैं। थोड़ी देर आप लोग भी इसको बनाकर देखिए, ज़रा ट्राई करिए। तो ये हमारा यहाँ पे COCl ग्रुप है, तो इसको ही प्रायोरिटी देंगे। 5, 6, 7 आ रहा है यहाँ, तो हम ऊपर चलेंगे 8। 8 की पैरेंट चेन बन रही है। 3 पे हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूंट मिल रहा है, तो हमको इसकी भी नेमिंग करनी होगी। 1, 2, 3 3 पे हमको इथेनाइल मिल रहा है और 1, 2, 3 पे मिथाइल मिल रहा है, तो हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे बच्चों। 3, 4, 5 एंड 6 ओके। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूंट की करेंगे। 3 कार्बन के साथ ये बॉन्डेड है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको हम। तो 3 इथेनाइल और फिर इसके बाद 5 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नेमिंग हम लोग कर चुके हैं। नाउ इसके बाद एक सब्स्टिट्यूट और रह गया हमारा जो नॉर्मल है, 6 मिथाइल। इसके बाद कंटिन्यूस लिखना है हम लोगों को, ऑक्ट एन 1 ऑइल क्लोराइड। थर्ड पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, 3 इथेनाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एंड 6 पे मिथाइल। 8 की चेन है तो ऑक्टेन 1 ऑइल क्लोराइड, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी ओके। चलिए इसको नोट करिए। चलिए एक लास्ट में बता देती हूँ इसमें बच्चों, यहाँ फिर से वही केस आ जाएगा। ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन है, और अगर किसी तरह से भी हम इसको अगर सारे कार्बोनिल ग्रुप को, मतलब जो हमारा ये कार्बोनिल क्लोराइड है या एसिड हैलाइड ग्रुप है, इसको अगर हम ऐड करना चाहें इसके कार्बन में, कार्बन को पैरेंट चेन में, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर वही बात अप्लाई करेंगे हम लोग IUPAC की, कि अगर एक भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन छूट रहा है तो बाकी सबको भी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम इन सभी को छोड़ देंगे बच्चों, और पैरेंट चेन यहाँ से ना होके यहाँ हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 की, ठीक है। तो 5 के लिए हमारा आ जाएगा बच्चों पेंटेन, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो क्या लिखना है हमको, ऑयल नहीं लिखना है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो किस किस पोजिशन पर है, 1, 2, 4, 5 तो 1, 2, 4, 5 चार है, इसलिए टेट्रा कार्बोनिल ऑल आर क्लोराइड, तो क्लोराइड ओके। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग का जो एसिड हैलाइड ग्रुप है वो भी ओवर हो चुका है। तो आज हम लोगों ने 2 फंक्शनल ग्रुप ओवर कर लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड हैलाइड। नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को और दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप इम्पॉर्टेंट रह गए हैं उसको करवा दूंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।